नरेंद्र मोदी का जाति विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के तीखे हमलों के बीच गुजरात सरकार ने अपना बयान जारी किया है। सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने कहा है कि गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 25 जुलाई 1994 को सर्कुलर पारित किया था जो 36 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करती थी। इनमें संख्या 25 में मोद छाछी जाति का जिक्र है जिसमें मोदी ताल्लुक रखते हैं। इस जाति को ओबीसी में शामिल किया गया है। गुजरात सरकार की सफाई के बाद भी कांग्रेस के हमले कम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया है कि मोदी फर्जी ओबीसी। मुझे जातिवाद की राजनीति नहीं करनी है, इसलिए मैं चुप रहता हूं, लेकिन कम से कम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाइए, झूठे आरोप मत लगाइए, मेरी जाति बिरादरी पर झूठे आरोप मत लगाइए। नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी जुबान से कभी नहीं कहा कि उनकी जाति क्या है, लेकिन जब मोदी की जाति को लेकर सियासत तेज हुई तो न्यूज एक्सप्रेस ने शुरू की इसकी तहकीकात। उनके स्कूल रिकॉर्ड से पता चला कि मोदी मोड़ घांची जाति के हैं। मोड़ घांची को सरकारी दस्तावेजों में पिछड़ी जातियों में रखा गया है, लेकिन कांग्रेस उनके दावे को गलत बताती है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल का दावा है कि मोड़ घांची जाति ओबीसी नहीं है। अपनी बात को साबित करने के लिए शक्ति सिंह गोहिल ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। मोदी किस जाति में पैदा होना वो गुना नहीं है, पर एक अपर कास्ट को आप खुदगर्जी के लिए बैकवर्ड कास्ट में डालते हो तो ये मोदी भाई गुना है, ये मुझे कहना है। गोहिल का कहना है कि पारंपरिक तौर पर मोड़ घांची कभी भी गुजरात में पिछड़ी जातियों में शुमार नहीं रही। उनके मुताबिक ये जाति काफी धनी रही है। गोहिल का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सियासी फायदा उठाने के लिए 2002 में इस जाति को पिछड़ी जातियों में शामिल करवा दिया।